हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। दोस्तों, ये मैंने रिबॉक का शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ ख़रीदा था, तो चलिए मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि ये कैसा है, इसका लुक कैसा है और पहनने पे आपको कैसा फील आएगा। तो इसका जो देखिए बॉक्स है, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है। इन्होंने जो मुझे बॉक्स भेजा है, ये देखिए बिल्कुल डब्बा हो गया बॉक्स, बिल्कुल लग रहा कचरा। इसमें देखिए जो प्राइस दे रखा वो 4,500 रुपये है, लेकिन ये मुझे 3,000 रुपये का पड़ा है। 26 नंबर का साइज है, 7 नंबर। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि ये अंदर से कैसा है। बॉक्स तो देखने में तो बिल्कुल इसकी पूरी की पूरी एक्सपायरी ख़त्म हो गई है बॉक्स की। ये इन्होंने ऐसा बुरे हाल में बॉक्स भेजा है मुझे। ये देखिए शूज़ है दोस्तों, ये शूज़ आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसमें जो ये सोल है, ये सोल काफ़ी ज़्यादा टाइट है। मैं सोच रहा था ये सोल नरम होगा, लेकिन ये नरम नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा टाइट सोल है ये। तो इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। और बाकी आप नीचे से देखो तो आपको इस तरीके का लुक आएगा, और साइड से आपको कुछ इस तरीके का लुक आएगा, और ऊपर से आप देखो तो कुछ इस तरीके का लुक आपको मिलेगा। रेड इसमें दे रखा है इसमें, और अंदर से आप देखो तो ऐसा है कुछ। साइड में इसमें फोम वगैरह प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, जिसमें आपके पैर में ये कंफर्टेबल रहे, कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। लेकिन दोस्तों, जो इसमें जो कपड़ा इसमें दिया हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है ऊपर से, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। अगर ये देखिए, इसमें ब्रीदिंग का, इसमें कुछ ज़्यादा वेंटिलेशन का कुछ ज़्यादा इसमें दिया नहीं हुआ है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है ऊपर से। और बाकी इसका ये जो है, ये हिस्सा, ये भी अच्छा खासा जो ऊपर का मटेरियल है, वो हार्ड मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है इसको बनाने में। ऐसे अगर आप शूज़ देखो तो शूज़ लाइट वेट है, शूज़ में तो कोई अगले प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये अगर इसका सोल थोड़ा सा अगर सॉफ्ट होता तो बहुत ही अच्छा रहता। जो मेरा कैंपस का शूज़ था दोस्तों, उसका जो ऐसा ही डिज़ाइन का सोल है, जो मैंने शुरुआत में वीडियो बनाया था कैंपस का, तो उसका सोल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है दोस्तों। जो चलने पे आपको बिल्कुल इतना कंफर्ट महसूस होता है कि वो आप जब उसको पहनोगे तो पता चलेगा, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगा, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई दोस्तों। इसका जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, और पीछे से आप देखो तो कुछ इस तरीके का इसमें लुक आता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप इसको पहन के दिखाता हूँ कि ये कैसा है ये पहनने पे। तो दोस्तों, ये पहनने पे कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये बिल्कुल भी मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा दोस्तों। अगर आपको लुक अच्छा लग रहा हो तो आप बताइएगा, लेकिन मुझे दोस्तों ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा, बहुत ही ज़्यादा मुझे अंदर से टाइट लग रहा है ये। और मुझे तो 3,000 रुपये का दोस्तों ये ओवर प्राइस लग रहा है, और कुछ नहीं। जिस हिसाब से ना इसमें कंफर्ट है ना कुछ है, जो इसकी शूज़ की हार्डनेस है वो बहुत ज़्यादा है। आज जब इसको पहनेंगे तो आपको पता चलेगा कितना ये हार्ड शूज़ है। और इसका सोल भी, इसका मुझे ड्रॉबैक लग रहा है, बहुत ही बेकार सोल है इसमें। अगर इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट सोल होता तो बहुत अच्छा रहता ये। साइड से आप देखो तो आपको इस तरीके का लुक मिलेगा इसमें, और ऊपर से कुछ इस तरीके का ये दिखता है, इस तरीके का आपका लुक आएगा। चलने पे दोस्तों ही मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि ये कुछ सॉफ्ट है क्या है, अंदर से मुझे बहुत हार्ड लग रहा है, क्योंकि इसका जो इन्होंने मटेरियल दे रखा है जूते का, बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल से बनाया है। तो ये है दोस्तों, बाकी आप देखना आपको कैसा लग रहा है, पर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया ये शूज़। तो ये है, आप इसका डिज़ाइन वगैरह देख लो, डिज़ाइन तो देखने में तो ठीक ठाक है, सही है डिज़ाइन इसका, लेकिन ये बिल्कुल भी 3,000 रुपये का तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है दोस्तों। जिस हिसाब से इसका
मटेरियल उन्होंने इसको बनाया है, तो वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया दोस्तों। और ये मेरा इसका था कि मैं आपको इसको दिखाऊं कि ये कैसा है पहनने पे। और ये देखिए, मैं जो इन्होंने सोल लगाया इतना हार्ड है कि आप पैर मोड़ोगे ना तो आपका पैर भी अच्छे से मुड़ेगा नहीं है, सोल भी देखो साथ में मुड़ रहा है। तो ये चीज़ है दोस्तों इसमें, ये मुझे पता नहीं है क्या है, कॉपी है कि ये ऐसा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो आप बताना कि ये क्या है, अगर आपके पास भी ऐसा इस मॉडल का शूज़ है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मुझे बताना कि आपका शूज़ का जो सोल है वो सॉफ्ट है कि हार्ड है, जैसा मुझे फील हो रहा है। तो ये मेरा जो सोच थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। बाकी 3,000 रुपये का दोस्तों ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, जैसे आपका इसमें इन्होंने इतना हार्ड सोल दे रखा है और उसका ऊपर का मटेरियल भी इतना ख़राब सा है, ये जैसा लग रहा है कि खरखरा टाइप का इसमें मटेरियल का यूज़ किया हुआ है। तो ये है, आप बताइएगा दोस्तों जैसा भी आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो ये मैंने लिया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में वीडियो बना के शेयर किया जाए। तो आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।